जो सूरत बकरा का आगाज़ है उसमें सबसे पहले ये जिक्र है कि ये कुरान जो है मुत्तकी लोगों की हिदायत करता है। तो वो मुत्तकी लोग कौन हैं, ये हम अपना खुद मुहासबा करें। तो सबसे पहले पहली जो पहचान और अलामत यह है कि खलवत व जलवत में यकसा होना, यानी जो हमारा जाहिर है वो हमारा बातिन होना चाहिए। ये नहीं कि हम जाहिर में अच्छे काम करें और बातिन में जो हम काम कर रहे हों हमारा बातिन उसके मुखालिफ हो। हम जलवत में तो अच्छे कहलाएं लेकिन खलवत में तन्हाई में बुरे काम करें, यानी जिसका जाहिर और बातिन जलवत और खलवत दोनों यकसा होंगी और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, उनके अंदर खौफ खुदा मौजूद होगा तो वो मुत्तकी होगा। ये नहीं है कि हम लोगों के सामने एक छोटे बच्चे के सामने गुनाह नहीं करते, लेकिन लोगों के सामने गुनाह नहीं करते, लेकिन जब कोई ना हो तो हम अलहदगी में जाकर गुनाह करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम एक बच्चे से खौफ रखते हैं, लोगों से खौफ रखते हैं, लेकिन जिसने हमें खल्क किया है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसके पास हमने लौट कर वापस जाना है, जिसने हमसे हिसाब लेना है, उससे नहीं डरते। यानी उसकी ज़ात अकदस का खौफ हमारे दिल में नहीं है।